परंतु बिहार और यूट्यूबरों को बदनाम करने का काम मत करिएगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस माइक और चैनल के सहारे आपने यूट्यूबरों और बिहार को बदनाम करने का काम किया है, उसी माइक और चैनल के सहारे हम लोग बिहार को, स्मिता को बचाने और यूट्यूबरों को मान सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। और जहां भी आप जाएंगे वहां हमारे जैसे पत्रकार, हमारे जैसे यूट्यूबर आपका विरोध में खड़े रहेंगे। इन्हीं लोगों की बदौलत मैं जेल से छूटा हूं, इसीलिए मैं इसी पार्टी में आकर के शामिल हो गया। क्या भाजपा वालों ने आपको जेल से बाहर निकाला है? क्या मनोज तिवारी ने निकाला है? इसका मतलब आप गुनाहगार थे। अब अयोध्या में 22 जनवरी तक यह व्यक्ति लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में था। को यह डर था कि मनीष कश्यप जिस तरह से पॉपुलर है बिहार सहित पुराने लोगों में, अगर यह आता है तो बिहार में हमारा लोगों का छवि खराब हो जाएगा। पप्पू यादव पर भी दबाव बना, कई पार्टियों ने दबाव बनाया, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निर्दलीय चुनाव लड़ा और लड़ रहे हैं और शायद उनको जीत भी मिलेगी। और जिस माँ के कहने पर पवन सिंह काराकाट चुनाव लड़ रहे हैं, एक माँ को लेकर के, आपकी माँ है, हमारी भी माँ है, वो क्या करे थी? भगवान चाहला हवन तो वे जेल भेजले रहन, और भगवान चाहला हवन तो वे निकाल देलन। तो भगवाने जब चाहले रहन निकाले के रहन तो चल जाते अभी अयोध्या। वो न्यायालय पे भरोसा नहीं था आपको, न्यायालय पे नाम के भरोसा था, आपको भरोसा भाजपा पे था। और आपको एक डर भी है कि भाजपा का जिस जो सेल काम कर रहा है, जो उनके गिरफ्त में नहीं आ रहा है, पवन सिंह पर भी दबाव बन रहा है। कल के स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने कहा कि जब मुझे मां ने आशीर्वाद दे दिया है तो पीछे लौट के जाना मुश्किल। यकीन मानिए, इस कहानी का स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, परंतु धरातल पर उतरना बाकी था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूबर से पत्रकार बने मनीष कश्यप की, जिन्होंने की आज बीजेपी की पार्टी ज्वाइनिंग कर ली है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है और नया कोई बात नहीं है। इस कहानी का स्क्रिप्ट सालों पहले लिखी जा चुकी थी और बस और सोचने और समझने की बात यही थी कि मनीष कश्यप पहले भाजपा के एजेंट, भाजपा के आदमी बताए जाते थे और अब भाजपा के नेता बनाए जाते थे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना है आपको। यूट्यूबर से पत्रकार बने थे, पत्रकार से भाजपा के एजेंट, भाजपा के चलिए ये बात नहीं कहेंगे, बने थे और भाजपा के प्रवक्ता बने थे या भाजपा के सपोर्टर बने थे और भाजपा के नेता बन गए हैं। तो मनीष कश्यप जी, बहुत बहुत शुभकामना है आपको। और मैंने कई चैनलों पर आपका विरोध भी किया है और सपोर्ट भी किया है। मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। और मैं बता दूँ कि खबर को देखने के लिए अंत तक बने रहें और इस चीज़ का मैं खुलासा करूँगा कि यह स्क्रिप्ट जो है सालों पहले लिखी जा चुकी थी कि मनीष कश्यप भाजपा में ही जाएंगे, परंतु भाजपा में जाने से भाजपा के लोगों को ही दुख था, तकलीफ था। इसीलिए बीते की ये जो 4-5 महीने की गैपिंग है, भाजपा और मनीष कश्यप में दूरी बड़ी थी। जी हाँ, जब 22 दिसंबर 2023 को मनीष कश्यप जेल से छूट करके आते हैं और लगातार हमलावर होते हैं बिहार सरकार पर, लगातार हमलावर होते हैं बिहार के किए गए कार्यों के ऊपर, तो किसी से ये बात को छुपी नहीं थी कि ये बीजेपी के एजेंट बन करके लगातार बिहार और बिहारियों को बदनाम करने का काम किया है। और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जब 22 जनवरी को उद्घाटन था अयोध्या में, तो ये 10 दिन पहले ही पहुंचे थे और लगातार अयोध्या की धरती से ये बिहार को बदनाम करने का काम किए थे, बिहार की सरकार को बदनाम करने का काम किया था। वहाँ से भी मैंने रिपोर्टिंग बनाया था कि यह बिहार का पुत्र नहीं है, कहीं और का पुत्र है, इसीलिए यह बिहार को सिर्फ बदनामी ही दिखाता है। चलिए, वो तो बात हो गई मनीष कश्यप की, लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी तक यह व्यक्ति लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में था, ये सच्चाई है। जिस जगह पर डेरा में ठहरे हुए थे, मैं भी वहां भी गया था, उनका ऊपर में जो डेरा था वहां पर लगातार सभी मंत्री आते थे, वहां पर रुकते थे, इनका वहां पर डेरा जमाया हुआ था। और मनीष कश्यप को लग रहा था कि यहां से जब हमें बिहार को गरियाएंगे, लालू यादव को गरियाएंगे, वहां की सरकार को गिराएंगे, तो बीजेपी मुझे एक्सेप्ट करेगी और 2-3 महीने के बाद जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, मुझे उसमें सीट दे देगी। परंतु ये बातें नहीं हुई। मनीष कश्यप कहते गए कि नहीं, हम तो सेवा वाला आदमी है, हम सेवा करेंगे, मरते दम तक माइक भी थामेंगे, गरीबों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। समय भी बदला, चुनाव के समय भी आए, परंतु बीजेपी ने इनको भाव नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, अभी सोचने की बात है।
क्यों नहीं दिया? बीजेपी में भी कदावर नेता कई ऐसे पड़े हुए हैं जिनको ये गर्व था कि मनीष कश्यप जिस तरह से पॉपुलर है बिहार सहित पुराने लोगों में, अगर यह आता है तो बिहार में हमारा लोगों का छवि खराब हो जाएगा। केंद्र में भी बैठे लोगों को डर है, खास करके मोदी जी को भी डर है कि झूठ और मकारी के नाम पर जिस तरह से हम लोग सत्ता में बैठे हैं, कहीं मनीष कश्यप आ गया तो लोग इससे सवाल का जवाब पूछेगा, मनीष कश्यप आप तो गए थे बीजेपी में विकास के लिए, अब जुमलेबाजी कैसे कर रहे हैं। यही कारण रहा कि बीजेपी इसको लगातार रोकी और इसको अनदेखा कर दिया। परंतु मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव जब लड़ने की घोषणा की तो बिहार में चार ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ने और सबसे चर्चित चेहरा बनने का काम किया है, पवन सिंह, गुंजन सिंह, पप्पू यादव और ये मनीष कश्यप। पप्पू यादव पर भी दबाव बना, कई पार्टियों ने दबाव बनाया, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निर्दलीय चुनाव लड़ा और लड़ रहे हैं और शायद उनको जीत भी मिलेगी। पवन सिंह पर भी दबाव बन रहा है, कल का स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने कहा कि जब मुझे मां ने आशीर्वाद दे दिया है तो पीछे लौट के जाना मुश्किल नहीं है। पवन सिंह की मां ने कहा कि जाइए, काराकाट को मैं सौंप देते हूं, अब काराकाट का पुत्र है। लेकिन वही मनीष कश्यप को जो बीजेपी कहती है कि आइए अब बीजेपी में आपका स्वागत है, आप जब पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ेंगे तो वहां पे जो पश्चिम चंपारण के कदावर रहता है संजय जायसवाल, जो 3 बार के वहां पर सांसद है, वो चुनाव हार जाएंगे। कारण अब पूछेगा मीडिया भैया वाला, आपको कैसे पता है संजय जायसवाल चुनाव हार जाएंगे? 3 बार के वहां पर रहे हैं सांसद, 2009 के बाद, 2008 में परिसीमन हुआ था, 2009 के बाद 3 बार में सांसद रहे हैं, और उनकी जो पॉलिसी है, मोटो पॉलिसी है जिस चीज को लेकर लोग चुनाव लड़ते हैं, या बीजेपी जिसको लेकर के हिंदुवाद, जातिवाद, धर्मवाद के पर लड़ती है, वही तो मनीष कश्यप के भी है। तो जिस जातिवाद हिंदुवाद के नाम पर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं, उसी इनके नाम पर संजय जायसवाल चुनाव लड़ते हैं, तो आपस में जब टकराएंगे और वोट कटेगा तो मदन मोहन तिवारी जो है कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार, वो पार्टी जीतेंगे, कारण वहां सबसे ज्यादा उम्मीदवार, सबसे ज्यादा वोटर जो है कांग्रेस के हैं। इसीलिए बीजेपी को डर था कि हमारे बयान पे तो चल रहा है मनीष कश्यप भी, हम बीजेपी के पॉलिसी पे ही चलते हैं संजय जायसवाल, जब ये आपस में टकराएंगे तो मदन मोहन तिवारी जो है चुनाव जीत जाएंगे, इसीलिए तोड़ने के लिए, अपना एक सीट बचाने के लिए बीजेपी ने कार्ड खेला और मनीष कश्यप को एक दिन में ही, कल के पहले चुनाव प्रचार में थे, धुआंधार प्रचार में थे, सबको लग रहा था कि मनीष कश्यप जीतेंगे, एक चुनाव इतिहास रचेंगे, और जो यूट्यूबरों को उन्होंने बदनाम करने का काम किया था, एक छवि से जीतेंगे और यूट्यूबरों को फिर मान सम्मान दिलाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने वही काम किया। एक भोजपुरी में कहावत है कि हक दिला अलिप दिला, वही मनीष कश्यप ने काम किया, जिस कार्य को लेकर के यूट्यूबरों को बदनाम करने का काम किया था, और जेल से निकलते ही जिस तरह से यूट्यूबरों को फिर से बदनाम करने का काम किया, यूट्यूबर हम लोग शर्मिंदगी है। हाय रे मनीष कश्यप, एक छवि थी आपकी, क्या किया आपने, भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए, और सवाल पूछने पर जानते हैं क्या बोल रहे थे, अभी हमने देखा तो बोल रहे थे, इन्हीं लोगों के बदौलत मैं जेल से छूटा हूं, मनीष कश्यप कहते हैं, जब समझिएगा मेरी बात को, इन्हीं लोगों की बदौलत मैं जेल से छूटा हूं, इसीलिए मैं इसी पार्टी में आकर के शामिल हो गया। क्या भाजपा वालों ने आपको जेल से बाहर निकाला है? क्या मनोज तिवारी ने निकाला है? इसके मतलब आप गुनाहगार थे, आपने गुनाह किया था और भाजपा वालों ने बचाया है? क्या न्यायालय की उसमें कोई भूमिका नहीं है? क्या जांच पड़ताल करके न्यायालय ने आपको बेल नहीं दिया, आपको बरी नहीं किया, आपके पास एनएसए नहीं हटाया? इसका मतलब भाजपा वालों ने आपको मदद किया, आपको ऊपर से एनएसए हटवाया? आप गलत थे भी ना जी, इसमें न्यायालय की कोई प्रमुखता नहीं है, न्यायालय ने कोई सबूत नहीं देखा। ये आप कह रहे हैं मनीष कश्यप बाबू, ये आप कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने मुझे जेल से बाहर निकाला था, इसीलिए मैं बीजेपी में शामिल हो गया। अगर यही जेल से बाहर नहीं निकालते तो इनके पास पार्टी में नहीं जाते आप, आपको तो न्यायालय ने, आपको न्यायालय से बरी हुए, आपने कहा भी था कि मुझे न्यायालय पे भरोसा है, मुझे न्यायालय पे भरोसा है और मैं बाइज्जत बरी रहूंगा, तो फिर आपने तो न्यायालय का नाम नहीं लिया, आपने तो कहा दिया कि इन्हीं लोगों ने निकाला था। आपकी मां कहती अभी अभी
जिस माँ को लेकर के आप इतने भावुक होते हैं और जिस माँ के कहने पर पवन सिंह काराकाट चुनाव लड़ रहे हैं, एक माँ को लेकर के, आपकी माँ है, हमारी भी माँ है, वो क्या करे थी, भगवान चाहल हवन तो वह जेल भेजले रहन और भगवान चाहल हवन तो वह निकाल दिलन। तो भगवाने जब चाहले रहन निकाले के रहन तो चल जाते अभी अयोध्या, वो जो मठ में रहते भगवान के पूजा पाठ करते। आप कह रहे हैं बीजेपी ने बाहर निकाला, आपकी माँ कह रही है या माता जी कह रही है कि भगवान ने निकाल दिया। फिर आप कहते हैं कि न्यायालय बड़े किए थे, तो आपके जो शब्द हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं कि न्यायालय पे भरोसा था, न्यायालय ने मुझे बेइज्जत बड़ी किया। कभी आप कहते हैं कि भाजपा वालों ने निकाला, आपकी माँ कहती है भगवान ने निकाला। आपको मोदी की गोदी मुबारक हो, लेकिन फिर आपने एक बार यूट्यूबरों को शर्मसार करने का काम किया है। अगर आपको निर्दलीय नहीं लड़ना था तो नहीं लड़ते, परंतु इस तरह से चुनाव प्रचार करके भाजपा के गोदी में जाकर बैठ जाना, आपने एक बार फिर वो यूट्यूबर जो धरातल पे जाकर के काम करते हैं, जो समस्याओं को दिखाते हैं, जो नली गली मामले का उद्भेदन करते हैं, जो छतरी वाले टीवी से पहले जाते हैं, उनको फिर आपने एक बार बदनाम करने का काम किया है। और हमारे जैसे यूट्यूबरों को एक बार फिर लोग सबके दृष्टि से देखेंगे कि कहीं यह खबर बना के जाएगा तो वहाँ पर जाके पलट तो नहीं जाएगा, क्योंकि बदनाम करने का आपने काम किया है। आपने कहा था जेल छूटने के बाद कि माइक हमेशा मेरा चलता रहेगा, मैं कहीं भी रहूं, परंतु आप तो मोदी के गोदी में जाकर बैठ गए। और बैठे भी क्यों ना, आपकी मजबूरी है। इस देश में दो ही विचारधारा चलती है, एक कांग्रेस लालू यादव जो एक तरफ की विचारधारा है और एक तरफ भाजपा की विचारधारा, और भाजपा के विचारधारा से तो आप पहले ही थे, आप तो पहले ही चाहते थे कि भाजपा मुझे गोदी में ले ले, लेकिन भाजपा ले ही नहीं रही थी। तो आप निर्दलीय चुनाव लड़े और जो भाजपा के लगा, भाजपा को कृष्णा देशवाल वहां से हार जाएंगे आपके लड़ने से, तो आपको बुला लिए, आपके जाल में भाजपा वाले ही फंस गए और भाजपा वाले के जाल में आप भी फंस गए। आइए, आपकी तो जीत सुनिश्चित थी, लेकिन आपका करियर खत्म। जिस तरह से पूरे देशवासियों को भाजपा से मोह भंग हुआ है, मोदी की भाषाओं से, मोदी के भाषणों से त्रस्त है जनता, उसी गोदी में आपके जाकर बैठ गए बेशर्म, कहीं के बेशर्म यूट्यूबर पत्रकार, आप उन्हीं गोदी में जाकर बैठ गए जिसको जनता नकार रही है। और फिर कहते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, किस चीज की सेवा करेंगे? आप ही ने कहा था ना कि रेलवे का वैकेंसी बढ़ेगा जी, मैं बात करूंगा, यानी कि भाजपा क्या प्रवक्ता है, भाजपा क्या मालिक है, क्या बात करके आप वैकेंसी बढ़ा सकते हैं? बड़ा वैकेंसी नहीं, नहीं बढ़ा, आप भाजपा में जाकर बैठ गए, आप बढ़वाइएगा, अब लगता है बढ़ेगा आपका कहा वो बात बढ़ेगा। लेकिन जिसके दामन पर एक बार दाग लग जाता है मनीष बाबू, कभी छूटता नहीं है। भाजपा के गोदी में जाके बैठिए और मुबारक हो आपको, नई पारी, चुनाव लड़िए, प्रवक्ता बनिए और भाजपा का प्रचार प्रसार करिए, परंतु बिहार और यूट्यूबरों को बदनाम करने का काम मत करिएगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस माइक और चैनल के सहारे आपने यूट्यूबरों और बिहार को बदनाम करने का काम किया है, उसी माइक और चैनल के सहारे हम लोग बिहार को, स्मिता को बचाने और यूट्यूबरों को मान सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। और जहां भी आप जाएंगे वहां हमारे जैसे पत्रकार, हमारे जैसे यूट्यूबर आपका विरोध में खड़े रहेंगे। कारण, आप एक वचन वाले नहीं हैं, आप संविधान को मानने वाले नहीं हैं, आप माननीय न्यायालय को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने कहा कि मुझे भाजपा वालों ने निकाला था जेल से, इसीलिए मैं भाजपा में जा रहा हूं। यानी कि न्यायालय पर भरोसा नहीं था आपको, न्यायालय पर नाम का भरोसा था, आपको भरोसा भाजपा पे था। और आपको एक डर भी है कि भाजपा का जिस जो जो सेल काम कर रहा है, जो उनके गिरफ्त में नहीं आ रहा है, जो रखे हुए हैं, छोड़ देते हैं वहां से, जाओ छापेमारी करो और गिरफ्त में ले लो। और भाजपा को तो कहा भी जाता है कि वॉशिंग मशीन है भाजपा, जो भाजपा में जाते हैं उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो आप तो भाजपा में चले गए, आपके सारे पाप भी धुल गए, आपके पता एनएससी भी हट गया, आपने तो जो सामाजिक उन्माद लड़ाने और बिगाड़ने के काम किया था वो भी हट गया। चलिए, भाजपा के गोदी मुबारक हो। और मैं बता दूं कि पश्चिम चंपारण का जो सीट था, बहुत ही दिलचस्प सीट था, वहां पे संजय जायसवाल लड़ रहे थे, जो 3 बार से सांसद थे, उसी में कूद गए थे मनीष कश्यप, और एक कांग्रेस के कराव नेता है मदन मोहन तिवारी, ये भी लड़ रहे थे। और भाजपा को ये पता था कि जब संजय जायसवाल और पत्रकार महोदय मनीष कश्यप लड़ेंगे तो कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी यहाँ चुनाव जीत जाएंगे, इसीलिए उन्होंने बुलाने का काम किया है। लेकिन कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि यही जो नीतियाँ है
काराकाट लोकसभा में दोहराई जाएगी और पवन सिंह को भी दबाव बना करके वापस बुलाई जाएगी और उपेंद्र कुशवाहा जो वहाँ बीजेपी से समर्थित है उनको चुनाव जितवाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए बीजेपी अपने कूटनीति में कहाँ तक सफल होती है और मनीष जैसे पलटू व्यक्ति किस किस भाषा का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि मनीष बाबू कि इनके सहारे जब मैं जेल से निकला था तो क्या लालू यादव जो बरी हुए हैं कई बार, कई नेता भी बरी हुए हैं, तो क्या उनको निकालने वाली जेल से बाहर बीजेपी वाले ही हैं? क्या ये सभी नेताओं को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? नहीं, मनीष के साहब आप ही ने बोला कि यही लोग मुझे जेल से बाहर निकाले थे इसीलिए मैं हम शामिल हो गए। लालू यादव भी कई बार जेल गए, कई मंत्री जेल गए, क्या वे जेल में रहे बाहर नहीं निकले? निकले कि नहीं निकले? तो अगर सभी नेता जेल से बाहर निकलते हैं तो क्या इनको भेज दिया जाए बीजेपी में? अरे बेशर्म इंसान, अगर पलटना ही था तो पलट जाते, जाना ही था तो चले जाते, इतनी बदनामी क्यों? चलिए शुभकामना है आपको और मैं बता दूं कि मनीष कश्यप बीजेपी की ज्वाइनिंग कर लिया है और उन्होंने घोषणा किया है कि अब मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब निर्दलीय उम्मीदवार जो बिहार में लड़ रहे हैं एक काराकाट से लड़ रहे हैं पवन सिंह, पप्पू भैया है और वहां से गुंजन सिंह है, बाकी जो चौथे थे ये तो हट गए हैं। देखिए बिहार की जनता किसको पसंद करते हैं किसको ना पसंद और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और बताइएगा कि क्या मनीष कश्यप यूट्यूबरों को बदनाम करने का काम किया है या नहीं किया है, या बीजेपी में जा करके इन्होंने अपने सारे पाप धुलवाने का काम किया है।